कांग्रेस इन दिनों अपने सॉफ्ट हिंदुत्व की धुंधली तस्वीर को साफ करने की कोशिश कर रही है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस भी इन दिनों सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर है। इसी कड़ी में महिला कांग्रेस प्रदेश के सभी जिलों में हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रही है। महिला कांग्रेस मकर संक्रांति पर हनुमान की शरण में जाकर चालीसा का पाठ करेंगी। 14 जनवरी को दोपहर 3 बजे से सभी जिला मुख्यालयों पर चालीसा का पाठ होगा। राजधानी में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर भी हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा और इसी दिन महिला कांग्रेस के लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान की भी शुरुआत यहां से होगी। माननीय प्रियंका गांधी जी के आह्वान पर जो एक महिलाओं को सशक्त बनकर आवाज उभरे, महिलाएं इससे लड़की हूं लड़ सकती हूं, मध्य प्रदेश में महिला कांग्रेस के द्वारा कल यहाँ पे माननीय अर्चन जायसवाल जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पे आगाज करेंगे और इससे कहीं ना कहीं महिलाएं तो सशक्त होंगी लेकिन हर क्षेत्र में, जहां महिलाओं के आज पुरुषों के बराबर भागीदारी है लेकिन हम लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में महिलाओं को वो दर्जा नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए, तो कहीं ना कहीं इससे लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लड़कियाँ महिलाएं कहीं कमजोर नहीं है, आने वाले समय में वो और सशक्त होंगी और वैसे भी पुरुषों से कंधा मिला के वो हर क्षेत्र में काम कर रही है लेकिन आने वाले समय में और महिला सशक्तिकरण बढ़ेगा इससे।